Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel, Mufti Arbab. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin, fattakhidhuhu aduwwa. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم بھائیو بزرگوں دوستو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے انسان اگر چاہتا ہے तो दोस्ती भी निभाता है और इंसान अगर चाहता है तो दुश्मनी भी निभाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दिया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कौन। इन्न शैतान लकुम अदुव मुबीन, कि शैतान हम सब का सबसे बड़ा दुश्मन है। فَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, हमें क्या चाहिए कि उसे दुश्मन समझना है और ऐसा दुश्मन समझना है कि वो कोशिश में लगा रहता है कि हमें और आपको राह से भटकाता रहे और आखिरत में जहन्नम का मुस्तहिक बना दे। ये मैंने आपके सामने इस आयत का मफहूम बयान किया। अब हम बात करते हैं दुश्मनी की। देखिए, दुश्मनी कई किस्मों की होती हैं। इंसान से दुश्मनी हुई, वो आपको जानी नुकसान पहुंचा सकता है कि कत्ल कर दे आपका, माली नुकसान पहुंचा सकता है कि वो आपका माल चोरी कर ले, और इसी तरह से सेहत में नुकसान पहुंचा सकता है कि वो कोई आपको गलत चीज़ खिला दे पिला दे, या आपके ऊपर जादू करवा सकता है इंसान। सब कुछ होगा अल्लाह की मर्जी के, अल्लाह की मर्जी के अलावा कोई चीज हो नहीं सकती। लेकिन इंसान के पास इतनी पावर है कि इंसान अगर आपका चाहेगा तो जादू आपके ऊपर करा सकता है, इंसान आपको जानी नुकसान पहुंचा सकता है, माली नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इन सब का की जो लिमिटेशन है, इन सब की जो कहना दायरा है, वो दायरा इस दुनिया तक ही महदूद है। अब आप यूं समझ लिए, इसके मुखालिफ अगर आपको कोई जानवर नुकसान पहुंचाता है, सांप बिच्छू और डेंजरस जो एनिमल होते हैं वो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि उनको जहर, उनके जहर ज़्यादा से क्या होगा कि अगर मौत आ सकती है, यानी कि जहर का इतना ख़तरनाक असर होगा कि मौत आ सकती है। इसके अलावा कोई और चीज़, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, या कोई और भी मखलूक, अल्लाह ने जितनी मखलूकें बनाई हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के अंदर नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे ये दुनिया का मामला ख़त्म और आपकी दुश्मनी, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन शैतान एक ऐसा आपका वाहिद दुश्मन है जो आपको इस दुनिया में नुकसान पहुंचाता है, और उसका नुकसान इस दुनिया में ख़त्म नहीं होता बल्कि वो आपको आखिरत तक नुकसान पहुंचा सकता है। आज इंसान आपस में दुश्मनी कर बैठता है कि मेरा और इसका जो है ख़ानदानी लड़ाई है, मेरे बाप दादा इसके बाप दादा के ख़ानदान के दुश्मन थे और मैं भी इनका दुश्मनी निभाऊंगा। कहते हैं, देखा जाता है कि बड़े लंबे लंबे ज़मानों तक नस्ल दर नस्ल दुश्मनी कंटिन्यू चलती है कि इनके अब्बा के अब्बा के अब्बा ने मेरे साथ गलत किया था, तो अब हम भी क्या करेंगे, इनके साथ गलत करेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दुश्मनी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है। ये दुश्मनी आपको जानी नुकसान पहुँचा सकती है, माली नुकसान पहुँचा सकती है, सेहत का नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन शैतान हम सब का खुला दुश्मन है, हम सब का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम जिससे तो दुश्मनी हम दुनियावी निभा रहे हैं उसकी दुश्मनी को हम बड़ा समझें, और अपने असल दुश्मन को, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह सुबहानहू व तआला ने हमें बार बार गाइड कर रखा है कि भाई तुम्हारा दुश्मन सबसे बड़ा कौन है, इन्न शैतान लकुम अदुव मुबीन, ये शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आगे एक जुमला और फरमाया, फत्तखिदुहु अदुव, कि तुम उसे दुश्मन समझो तो सही।
बात यह है कि देखिए आदमी दुश्मन से अलर्ट कब होता है भाई। आदमी सोचता है कि इसने मेरा माल मार लिया, इसने मेरे साथ मेरा धंधा काट लिया, इसने मेरा कारोबार खराब कर दिया, ये मेरा दुश्मन है, तो उससे वो अलर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम शैतान दुश्मन से अलर्ट ही नहीं होंगे, उसको अपना दुश्मन समझेंगे ही नहीं, तो हम और आप अपने आप को हरगिज और हरगिज सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान में फरमा दिया, इन शैतान लकुम अदू मुबीन फत्तखिदूहु अदुवा, के शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उसे अपना दुश्मन जानो। अभी मैं आपको बताता हूं कि शैतान हमारे साथ दुश्मनी किस किस तरीके से करता है। कि शैतान बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही खराब तरीके से हमारे साथ दुश्मनी निभाता है। अगर उसका बस चले तो कायनात के अंदर वो चाहता है कि कोई शख्स अल्लाह का जिक्र करने वाला ना बचे। जब उसने हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी वसवसे डालकर उनको भी जन्नत से बेदखल करा दिया, तो हम और आप क्या चीज है भाई। जो लोग अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, हजरत ने हजरत आदम की दिल्लगी के लिए हजरत हव्वा को पैदा फरमाया उनकी पस्ती से, जब जो लोग अल्लाह सुबहान व ताला की जन्नत में शैतान की वसवसे से नहीं बच पाए, हम और आप किस खेत की मूली। तो मेरे भाई और दोस्तों, अब हमें क्या है, ऐसा नहीं है कि दुश्मन है भाई, बड़े से बड़ा दुश्मन हो जिंदगी में, उससे मुकाबला करने की अगर हम तदबीरें प्लानिंग करेंगे तो हम उस दुश्मन पे काबू पा सकते हैं। अगर आपको पता है कि मिसाल के तौर पर अगर मुरादाबाद जा रहे हैं, मुरादाबाद जाते हैं, आपको पता है कि इलाका चोर उचक्कों का है और आपका पास बहुत असासा है, माल है आपकी गाड़ी में, तो रास्ता बदल लेंगे। तो ये क्या हुई, तदबीर आपने करी कि आपने अपने आप को बचा लिया। किससे बचा लिया, दुश्मनों से बचा लिया, सही रास्ते पर हम आप आ गए। तो दुश्मन से बचाना अपने आप को, दुश्मन से बचना अपने आप को। आपको बताया कि कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचा रहा है बहुत लंबे वक्त से, तो उससे बचने के लिए अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा है कि बेड़ा तुम्हें खुद ही उठाना पड़ेगा। तो जब दुनियावी दुश्मन से बचने के लिए तुम्हें बेड़ा खुद ही उठाना पड़ेगा, तो इसी तरीके से जो तुम्हारा दुश्मन है शैतान, उससे बचने के लिए भी तुम्हें बेड़ा क्या है, खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर हम शैतान की दुश्मनी को दुश्मनी समझेंगे तो अनकरीब हम और आप नजात पाने वालों में से हो जाएंगे और हमारा और आपका जो मरकज होगा वो जन्नत होगी। अगर हम दुश्मन नहीं मानेंगे और अपना दोस्त समझेंगे तो आप समझ लीजिए किसी भी किसी तरीके से आपको वो है क्या, फायदा नहीं पहुंचा सकता, बल्कि आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। अब शैतान जो हमारे ऊपर हमले करता है उसकी कई किस्में बयान करी मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, अलग अलग जगह से अलग अलग मालूमात को इकट्ठा करके एक मजमून की शक्ल दी, उसके बाद वही मैं मजमून आपके सामने नकल कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो शैतान का हथियार होता है वो होता है कि वो आपके ऊपर अकीदे की मार मारता है। अकीदे की मार मारता मतलब कि आपको इस्लाम का बुनियादी क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है, ईमान है। आपने अगर कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जबान से कह दिया तो आप ईमान में दाखिल हो गए। तो सबसे पहला हथियार शैतान का क्या होता है कि वो आपको अकायद की मार मारता है। सोचता है कभी अकायद की मार मारेगा कि समझते हैं लोग कि हम बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है उल्टा कि हमें उससे गुना मिल रहा होता है। और एक हथियार और होता है, मैं अभी आऊंगा कि करके मुक्तबा नुक्ता, लेकिन मैं अभी आपको तमहीदी तौर पर बता रहा हूं। पहला तो है कि उसने अकीदे के हिसाब से हमें वरगला दिया, हमारा अकीदा बिगाड़ दिया। अच्छे खादे आपको बताया कि अल्लाह सुबहान व ताला हर गुना को माफ कर देगा सिवाय किसके, शिर्क के। और एक दूसरा गुना वो होता है जो हुकूकुल इबाद का होता है, किसी का किसी पे माल है तो वो अल्लाह सुबहान व ताला नहीं फैसला करेंगे, उसका फैसला जिससे तुम्हारा माल का मामला है उसको दुनिया में ही करके ना पड़ेगा, वरना आखिरत में होगा उसकी नेकी तुम्हें मिल जाएगी या तुम्हारे गुना उसके बाद चले जाएंगे जैसा मौका होगा। लेकिन अल्लाह सुबहान व ताला हर गुना को माफ कर देंगे लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेंगे। आज आप देखिए हम और आप कच्चे अकीदे के बन जाते हैं, हमें लगता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा ताकत और लोगों में पैदा हो गई, अल्लाह और अल्लाह के कलाम से ज्यादा ताकत किसी और में पैदा हो गई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा हमें इससे निजात मिल जाएगी या ये हमारे लिए अच्छी अच्छे फैसले करवा देगी। अच्छे फैसले करवाने वाले की ताकत सिर्फ अल्लाह के अंदर है और अल्लाह के रसूल क्योंकि उम्मत के इतने बड़े खैरख्वाह थे, उम्मत की इतनी फिक्र करते थे, तो उनकी सिफारिश हर जगह कबूल की जाएगी।
लेकिन आप यूं समझें कि इसके अलावा कोई आपके काम आ जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। तो सबसे बड़ी बात, शैतान मारता है किसकी? अकीदे की मार। दूसरी मार क्या मारता है शैतान? आप जा रहे थे, एक फकीर को देखा आपने, आपने अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के उसके हाथ में दे दिए। दे रहे थे, दे 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 दे, यार मैं कितना आला हूँ, ये कितना डाउन टू, यानी कितने नीचे वाला आदमी है, मैं अमीर हूँ ये गरीब है, मैं अमीर हूँ ये फकीर है। तो बस ये भी शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि मैं नमाज अकेले पढ़ा था तो सही पढ़ा था, 4-5 लोग देखने लगे तो आपके सजदे के अंदर भी पावर आ गई और आपके रुकू के अंदर भी पावर आ गई। तो ये एक और मार है शैतान की। शैतान का बस नहीं चलता कि वो आपके हर अमल को बर्बाद करने में लगातार लगा हुआ है। जैसे एक आदमी बहुत बड़ा, आप ये मिसाल समझिए कि हर जो आदमी सबसे बड़ा बिलियनर बन जाता है दुनिया का, उसे हर वक्त ये फिक्र सताई रहती है कि मेरा नंबर 2 ना आ जाए। तो शैतान को हर वक्त, हर लम्हा, हर वक्त ये फिक्र सताती रहती है कि ये बंदा अल्लाह के करीब ना हो जाए, ये बंदा अल्लाह से ज्यादा करीब ना हो जाए। उसे 24 घंटे यही फिक्र है और उसे मोहलत दी गई है कयामत तक के लिए कि तेरे मेरे बंदे, अगर मेरे अपने बंदों को अकल भी दी, फहम भी दी, समझ भी दी है, अब मेरे बंदों को इख्तियार है इस बात का कि वो तेरे बहकावे में आएंगे या मेरी बताई हुई तालीमात पर अमल करेंगे। तो शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अब देखिए, ये तो मैंने आम आदमी की बात करी कि अकीदे की मार मारता है, नमाज की मार मारता है, सदक़ा खैरात की मार मारता है, अब मौलवियों को कैसे लपेटता है। आजकल आप देखेंगे कि कोई मसला बिल्कुल गायब चल रहा था, अचानक वो मसले पर बहस व मुबाहसा शुरू हो जाता है, तो ये मौलवियों को मार मारता है ऐसे कि किसी ऐसी चीज में उनको डाल देगा जिसका ना वो दुनियावी फायदा होता है ना दीनी फायदा होता है, महज कुछ व्यूज के लिए, कुछ टीआरपी के लिए वो आ जाते हैं मंजर आम पर। आप देखिए आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हुई हुई है यूट्यूब पर, इंजीनियर साहब की पाकिस्तान में, उन्होंने कुछ सहाबा के बारे में अलग अलग अल्फाज कह रखे हैं, तो अब उन्होंने सहाबा के मामले में इख्तलाफ करना शुरू कर दिया। तो शैतान ने उनको इस राह से, शैतान ने उनको सीधे रास्ते से ऐसे भटकाया, भाई तुम बनो, तुम्हें तो हक है इस बात का कि तुम तहकीक करो और लोगों के सामने तहकीक लाकर पेश करो। अब उस तहकीक के नतीजे में उनको क्या क्या मिलेगा, क्या उनको नेकी मिलेगी, क्या उनको बदी मिलेगी, ये तो खुद वो समझ सकते हैं, समझदार शख्स हैं। लेकिन आलिमों को, मौलवियों को, मुफ्तियों को कोई ऐसे ऐसे मसलों में फंसा देता है शैतान, क्योंकि शैतान, ये बात समझ लीजिए, बहुत समझदार शैतान है। शैतान कोई भी बेवकूफ नहीं है, बल्कि हम सबसे ज्यादा समझदार है। तो शैतान हमें ऐसे ऐसे टॉपिक में उलझा देगा, ऐसे ऐसे टॉपिक में फंसा देगा कि बज़ाहिर तो लगेगा कि हमने और आपने बहुत कीमती वक्त लगा दिया और अपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। और शैतान का एक हथकंडा ये भी होता है कि शैतान हमें क्या करता है, कभी कभी ऐसे कामों में उलझा देता है जिसका ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा। तो कोई भी शख्स हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो एक आलिम दीन हो, कारी दीन हो, कुछ भी हो, वो भी क्या है, राह रास से भटक जाता है और अलग अलग किस्म के इख्तलाफात में पड़ जाता है। अब चूंकि वक्त भी हो रहा है तो मैं शैतान के जो हथियार है, शैतान किस किस तरीके से हमें बरगलाता है, उसको पॉइंट बाई पॉइंट बयान कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया, देखिए अब आप जहन में नोट कर लीजिए ये बात, शैतान हमें किस किस तरीके से कैसे कैसे भटकाता है। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि वो आपको कुफ्र और शिर्क के अंदर फंसाएगा, कुफ्र और शिर्क के अंदर फंसाएगा, आपके अकीदे खराब करने की कोशिश करेगा, जो कि इस्लाम की बुनियाद है, बेस है। हदीस में आता है, जिसके दिल में राय के बराबर भी ईमान होता है वो जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन जब राय के बराबर ईमान बचेगा ही नहीं तो उसे जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। तो सबसे बड़ा उसका हथियार होता है कि वो कुफ्र और शिर्क में इंसान को फंसा देता है, कुफ्र और शिर्क में इंसान को फंसा देता है। अगर दूसरा पॉइंट, अगर वो कुफ्र और शिर्क से बच भी गया, कुफ्र और शिर्क से बच भी गया, तो उसे ऐसे किस्म के फितने में, बिदात में डाल देगा, बिदातों में डाल देगा कि उनको लगेगा कि बज़ाहिर कि वो अल्लाह से उसका कुर्ब हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, कुर्ब नहीं होता बल्कि अल्लाह से दूरी का सबब बन जाता है। तीसरी बात कि बिदात से अगर बच भी गया, यानी कि पहले कुफ्र शिर्क से बच गया, बिदात से बच गया, तीसरा अगर इन दोनों से बच भी गया, तो उसे फिस्क व फुजूर में, गुनाहे कबीरा में डाल देगा, जिना में डाल देगा, जुगली में डाल देगा और बड़े बड़े गुनाहे कबीरा में डाल देगा। और गुनाहे कबीरा से अगर वो बच गया, चौथा पॉइंट, फिर गुनाहे सगीरा में डाल देगा। अब गुनाहे, आप देखिए, अब लोग ये समझते हैं यार मैं बड़ा गुनाह नहीं कर रहा, छोटे गुनाह में मैं पड़ा हुआ हूं, तो गुनाहे सगीरा अगर
करते 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 उसने गुनाह सगीरा का अंबार लगा दिया। इसका एक बेहतरीन वाकया है कि अगर एक आदमी एक एक मिसाल के तौर पर आग जलानी है और एक आदमी एक एक लकड़ी करके जमा करके ला रहा है तो उससे भी आग और बड़ा शोला तैयार हो सकता है। तो हम गुनाह सगीरा को अगर इकट्ठा कर रहे हैं, दबा दबा के इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये गुनाह सगीरा भी हमारी बर्बादी का बड़ा सबब बन सकता है। पांचवा पॉइंट कि अगर इंसान सबसे पहली बात कुफ्र और शिर्क से बच गया, बिदअत से बच गया, गुनाह कबीरा से बच गया, गुनाह सगीरा से बच गया, तो अब उसे ऐसे काम में डाल देगा जिसका उसे दुनिया में कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना उससे कोई फायदा आखिरत में मिलेगा। और सबसे आखिरी पॉइंट कि अगर उसने उसको यानी इंसान को बिदअत से भी बचा दिया तो वो उसको ऐसे काम में डाल देगा। मिसाल के तौर पर आप एक काम कर रहे हैं, आपको मिसाल के तौर पर 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, तो शैतान आपको ऐसी इबादत में डाल देगा जिसमें आपको सवाब कम मिलेगा। तो शैतान बहुत बड़ा अपडेटेड दुश्मन है हमारा, हमें समझना पड़ेगा कि शैतान हमें किस किस तरीके से फंसाता है। सबसे पहली बात कुफ्र और शिर्क के जरिए फंसाता है, दूसरा बिदअत के जरिए फंसाता है, गुनाह कबीरा से, गुनाह सगीरा से, और लायानी में मुबतला कर देता है, और अगर इन सब से भी बच गए तो हमें ऐसे काम में मुबतला कर देता है जिसके अंदर हमें सवाब कम मिलता है, बल्कि अगर हम उस वक्त में कोई और काम करते तो हमें ज्यादा सवाब मिलता। और एक और आखिरी बात, सातवां हथियार जो है शैतान का, उस ऑफिस में अपनी बात खत्म करता हूं कि सातवां हथियार क्या है शैतान का, वो बहुत बड़ा हथियार है, वो है बेहयाई। बेहयाई, बेपर्दगी, औरियानियत, नंगापन, ये भी एक बहुत बड़ा हथियार है। الشیطان یعدکم الفقر و امرکم بالفحشاء، قرآن میں فرمایا کہ شیطان ہمیں کفر و شرک کی طرف بلاتا ہے اور فحاشی کی طرف، عریانیت کی طرف بلاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے، ہم کم کپڑوں کو وومن امپاورمنٹ کے نام سے جانتے ہیں، ہم کم لباس اگر کوئی پہننا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ وومن کو فریڈم مل گئی۔ یہ ساتواں جو ہتھیار ہے شیطان کا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ اگر تیرے پاس سے بے حیا، مطلب تیرے پاس سے حیا ختم ہو گئی، تو اب تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میرے اندر سے اب حیا ختم ہو چکی ہے، تو اب تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اب اسے کسی بات کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار آج کے وقت میں، فی الوقت بہت بڑا ہتھیار ہے بے حیائی کا۔ پہلے بے حیائی اتنی عام نہیں تھی، آج ہر ایک کی جیب میں ہے بے حیائی، وہ جب چاہے جیسے چاہے بڑی سے بڑی بے حیائی کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں فکر کرنی ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان سے ہمیں دشمنی نبھانی ہے۔ اور دشمنی نبھانے کے لیے اللہ نے طریقے بتا دیا کہ تمہیں وہ ان 7 طریقوں سے بھیکا سکتا ہے۔ اب تم اپنے آپ کو الرٹ رکھو، جیسے تمہیں کوئی دنیاوی تجارت میں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، یا تمہیں کوئی تمہارے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، چوکیدار رکھ لو گے، الارم لگا لو گے، سی سی ٹی وی لگا لو گے، یہ سب کر لو گے، تو تم تدابیر کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ تو شیطان بھی اگر تمہارا دشمن ہے تو تمہارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم شیطان سے بچنے کے لیے بھی اعمال کرو، اور اپنے دماغ کو اپڈیٹ کرو کہ تم شیطان کے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ۔ اینٹیڈوٹ بناؤ اپنے آپ کو۔ اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، تو ہمیں شیطان کو جواب دینا ہے۔ سب سے بڑا اینٹیڈوٹ کیا ہے شیطان سے بچنے کا؟ گناہ خیال ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے بڑا اینٹیڈوٹ، سب سے بڑا وہ ہے کہ آج آدمی کہتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ خیال آتا ہے، توبہ توبہ استغفار، یہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن سب سے بہترین اینٹیڈوٹ کیا ہے اگر آپ کو گناہ کی طرف کوئی چیز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائی، جب قرآن میں خود فرما دیا کہ اس کے پڑھنے سے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، تو پڑھیے اور پھونک مار کے دیکھیے اور عمل کر کے دیکھیے۔ سچائی میں کوئی غلط خیال آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور اپنے آس پاس پھونک دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے جو گناہ کا جذبات 99% ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ تو یہ سب باتیں دل کے عقیدے سے تعلق ہیں، ان سب پر ہمیں یقینی طور پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔